स्वागत है आप सभी का अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना सीखा था। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.4 है। तो आइए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दे रखा है एक्सप्रेस फॉलोइंग रेशियोज, यानी साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म में हमें लिखना है। तो हम लोगों को जिसके टर्म में लिखना होता है, यानी यहां पर हमको कॉट ए के टर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, कॉट ए को किसी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड के टर्म में लिख देंगे। तो देखिए हम इसे कैसे करते हैं, हमें जो चीज दे रखी है, क्या दे रखा है, कॉट ए। तो कॉट ए जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो कॉट ए को अगर कॉट ए अपॉन वन लिख लें तो बेस कितना हो गया, कॉट ए, और परपेंडिकुलर यहां पर वन हो गया। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, और ये जो मान लो ए हमारा जो है इसका मेन एंगल है, तो अगर ये मेन एंगल है तो ये साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये वाली बेस हो गई, और 90 के अपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज हो गई। तो अब हमें मालूम क्या क्या है, हमें मालूम है बेस, बेस कितना है यहाँ पर, कॉट ए है, तो ये हम कॉट ए लिख लेंगे, और परपेंडिकुलर यहाँ पर वन है, और हाइपोटेन्यूज देखिए क्या हो जाएगा अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वो वन है, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, कॉट ए का स्क्वायर करेंगे कॉट स्क्वायर है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बचेगा अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी इस टाइप से हमारी हाइपोटेन्यूज आ गई, और साथ साथ तीनों साइड अब हमें मालूम हो गई। अब हम जो रेशियो चाहे वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला रेशियो जो पूछा गया है, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है वन, और हाइपोटेन्यूज जो है वो अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए हम लोगों ने किस प्रकार साइन ए को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, यानी ये साइन और कॉट में रिलेशन हो गया, यानी इसमें सिर्फ साइन है और कॉट है, उसके अलावा कोई भी दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। अब हम सेक ए को लेते हैं, तो सेक ए जो होता है वो कितना होता है, कॉस का उल्टा, कॉस होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो यानी ये एच अपॉन बी हो गया। तो एच यहां पर कितना है, अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बेस देखिए कितना दे रखा है, कॉट ए, तो ये वाला जो होगा वो सेक ए का और कॉट ए का रिलेशन तैयार हो जाएगा, यानी सेक ए को हमने कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। और फाइनली क्या बचा है, टेन ए, तो टेन ए का तो सभी जानते हैं वन अपॉन कॉट ए होता है, लेकिन यहां पर देखिए कैसे आएगा, टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहां पर वन है और बेस कितना है, कॉट ए, यानी देखिए ये भी रिलेशन हमारा आ गया, टेन ए इक्वल्स टू होता है वन अपॉन, ऐसे हम लोग तीनों रेशियोज को फाइंड कर लेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी हमें सारे रेशियोज को सेक ए के टर्म में दिखाना है। तो हमारे पास बचे कितने रेशियो, पांच, क्योंकि सेक तो पहले से सेक में है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, यानी जो पांच रेशियो बच रहे हैं उन्हें हमें सेक ए के टर्म में दिखाना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग सेक ए को ट्रायंगल पे दिखाएंगे। तो सेक ए वैसे होता क्या है, सेक ए होता है कॉस का उल्टा, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक ए हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हम सेक ए को सेक ए अपॉन वन लिख लेंगे, यानी हाइपोटेन्यूज कितनी बनी, सेक ए, और बेस कितना बना, वन। तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए मेन एंगल है, ये वाला 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गए, ये साइड परपेंडिकुलर हो गई, और ये साइड बेस हो गई। अब हम लिख देते हैं, तो हाइपोटेन्यूज यहां पर सेक ए है, तो यहां पर हमने सेक ए लिख दिया, और बेस हमारा यहां पर वन दे रखा है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज यहां पर है सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू बेस कितना है वन, और परपेंडिकुलर हमको मालूम नहीं है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन आ जाएगी, यानी हम लोग यहां पर क्या लिख लेंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब आप जो चाहें वो फाइंड कर लें। हम सबसे पहले किसको फाइंड करेंगे, साइन ए को, तो पहला हमारा हो जाएगा साइन ए, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहां पर देखिए कितना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और हाइपोटेन्यूज जो है वो सेक ए है, तो ये हमारा काहे का रिलेशन आ गया, साइन ए का। ऐसे ही दूसरा देखिए,
कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, तो बेस जरा देखिए कितना है, वन है, और हाइपोटन्यूज है हमारा सेक ए, यानी कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है वन अपॉन सेक ए, और ये फार्मूला हमको पहले से भी मालूम है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या होता है, साइन हो गया, कॉस हो गया, फिर अब बचा हमारा टैन ए, तो टैन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर देखिए कितना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन और बेस है वन, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन और बेस वन है, तो वन से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं, यानी टैन ए हमारा क्या बन गया, टैन ए बन गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तीन रेशियो आ गए हैं, दो और बचे। अब चौथा देखिए, चौथा साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक ए क्या हो जाता है, कॉसेक ए इक्वल्स टू होता है साइन ए का उल्टा, यानी जो साइन ए में आपने लिखा है उसको आप उल्टा कर दीजिए, तो साइन ए में हमने क्या लिखा है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए, यानी इसको हम लिख देंगे सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब इनको निकालने की जरूरत नहीं है, जो हम साइन ए में निकाल चुके हैं बस उसको उल्टा करते रहना है। कॉसेक ए के बाद आता है सेक ए, सेक ए हमने लिखा ही है, अब बचा क्या हमारा, अब बचा फाइनली कॉट ए, तो जो टैन में निकाला हो उसका उल्टा कर दीजिए, तो टैन ए जो है हमारा हो जाएगा, सॉरी जो कॉट ए होगा वो टैन ए का उल्टा, यानी वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो इस टाइप से हम पांचों रेशियोज को फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, दोनों में हमें वैल्यू को फाइंड करना है। पहला जो पार्ट दे रखा है वो है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो अगर हम पहले पार्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 63 और 27 का सम 90 हो रहा है, ऐसे ही नीचे भी सम जो है वो 90 हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली रेशियो को लगाएंगे। पर ध्यान रखना कि दोनों में मत लगाइएगा, सिर्फ एक में लगेगा, दोनों में लगा देंगे तो घूम के फिर वही चीज़ आ जाएगी, तो हम लोग सिर्फ पहले वाले में लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर 63 को क्या लिख दिया, 63 को लिख दिया 90 माइनस 27, और अगला वाला जो था वो वैसे ही लिखा रहा, ऐसे इधर देखिए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर और 17 को लिखा हमने 90 माइनस 73, और ये वाला जैसा था वैसा हमारा लिखा रहा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन ये कॉस 90 माइनस थीटा, फिर साइन थीटा होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस 73, ये हो जाएगा साइन कॉस 73, तो वैसे ही लिखा रहेगा। अब देखिए, अब हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, वो होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी ये कितना हो जाएगा वन। ऐसे ही नीचे देखिए, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, यानी दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसलिए अब ये वैल्यू वन हो जाएगी। यहां पर क्यों नहीं लग सकता था, क्योंकि यहां पर साइन था फिर साइन था, और दूसरा एक बार 63 था एक बार 27 था। अब हमारा क्या हो गया, अब दोनों एंगल्स जो हैं वो सेम हो गए, यानी कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, दोनों एंगल सेम हो गए, तो हमारी ये आइडेंटिटी बन गई, यानी ऊपर जो हो गया वो वन हो जाएगा, नीचे भी वन हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटीज सभी को याद होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, तो यहाँ पर भी 25 और 65 जोड़े 90 बन रहा है, और 25 और 65 90 बन रहा है, यानी दोनों में से एक में हम लोग को आइडेंटिटी लगानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले यानी साइन को 25 को हम लिख देते हैं 90 माइनस 65, और इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे, ऐसे ही ये देखिए कॉस 25 इस 25 को हमने लिख दिया 90 माइनस 65, और आखिरी में साइन 65 हमारा लिखा रहा। अब क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 65 हो गया, ये भी कॉस 65 हो गया, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन 65 और साइन 65 दो बार हो गए। अब क्या हो जाएगा, कॉस कॉस, यानी ये हो गया कॉस स्क्वायर 65, ऐसे ही साइन साइन फिर दो बार हैं, यानी ये हो गए साइन स्क्वायर 65, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी बन गई, चूंकि दोनों एंगल सेम हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई। तो इस टाइप से हम इन दोनों सवाल की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन फोर देखते हैं, ये ऑप्शनल वाला है, तो एक एक करके हम सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो दे रखा है
9 sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर भी, तो ये तो आसानी से हो जाएगा। तो हमने 9 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। अब हम देखते हैं कि sec स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है और sec स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अच्छा, हमने इसलिए ऐसा किया कि अगर हम sec स्क्वायर एक ही जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर रखेंगे तो 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, sec स्क्वायर एक ही जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर ए रख दिया माइनस 10 स्क्वायर ए। तो आप देख रहे हैं कि 10 स्क्वायर ए के दोनों कैंसिल हो गए, कितना बचा 9 और 1, और 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है 1 प्लस 10 ए प्लस सेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए। तो इसमें तो हमें कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यानी बेसिक रेशियोज में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, जो बेसिक रेशियो हमारे होते हैं वो साइन कॉस होते हैं, यानी अगर टेन में भी अगर हमें कोई चीज़ दिख रही है तो उसे भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वन को तो वन ही रहने देंगे, टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी टेन थीटा इक्वल्स टू हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक होता है वन अपॉन कॉस थीटा, ऐसे ही इसको देखिए कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा जो होगा वो वन अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसमें हमें एलसीएम ले रहे हैं, इससे कैल्सियम मिल रहा है जो कितना है कॉस थीटा, तो इस पार्ट में हमने कॉस थीटा का एलसीएम ले लिया। तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा टाइम जाएगा, नहीं यहाँ बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम जा रहा है, इसको वन अपॉन वन कर लिया तो ये कितने टाइम्स गया, साइन थीटा टाइम्स गया, तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। अब अगर इसे ध्यान से देखें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ऊपर वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई करें, पूरा मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो थोड़ा सा अपना माइंड यहाँ पर लगाइए। अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यानी अगर हम साइन थीटा, यानी ये चीज़ क्या हो गई, ए हो गई, और ये चीज़ हमारी ए हो गई, ऐसे ही ये बी है और ये बी है, यानी क्या हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी, यानी ऊपर क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस वन। ऐसे ही नीचे देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए ये वैल्यू कितनी होती है, वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, और यहां पर क्या लिखा है वन, तो प्लस वन और माइनस वन दोनों जो है वो कैंसिल हो गए, यानी अभी हम पूरा हटा सकते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बच रहा है टू साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, जो फाइनल आंसर बचेगा वो हमारा कितना हो जाएगा टू, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस केस में सही हो गया। यहां पर दे रखा है sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a, तो इसमें भी कुछ हमें विशेष समझ में नहीं आ रहा है, फिलहाल हम इसको जो है बेसिक रेशियो में तोड़ते हैं, यानी साइन और कॉस में तोड़ेंगे। तो sec a जो होता है वो हमारा होता है 1 अपॉन कॉस a, ऐसे ही tan a जो होगा वो साइन a अपॉन कॉस a हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में कर लिए, दूसरे में तो ऑलरेडी बेसिक में है यानी साइन ए में है, तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा कॉस ए और ऊपर बचेगा वन प्लस साइन ए, तो आप देखिए यहाँ वन प्लस साइन ए है, वन माइनस साइन ए है, तो फिर फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ऊपर आ जाएगा वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो वन की वैल्यू जो है यहाँ पर वन स्क्वायर की वैल्यू वन हो गई, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए पहले से है तो फायदा ये मिलेगा कि साइन स्क्वायर ए हमारा कट जाएगा, यही कारण था कि हमने वन के स्थान पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रखा, जिससे हमारा ये साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाए। तो अब बच क्या रहा है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए और नीचे कॉस ए पहले से मौजूद है, तो एक स्क्वायर और एक कॉस ए कट जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा कॉस ए बचेगा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है। अब हम लोग इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो इसको भी हम ब्रेक करते हैं, इसको क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है,
नीचे क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर है यानी कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो ऊपर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है। ऐसे ही नीचे देखिए, नीचे जो एलसीएम होगा वो साइन स्क्वायर ए होगा, तो ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर नीचे जो लिखा है वो सेम लिखा है, यानी क्या बच रहा है, ये बच रहा है वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, यानी ये क्या होगा, ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन वन, और साइन स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए यानी साइन अपॉन कॉस जो होता है वो टेन होता है, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी टेन स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर जो क्वेश्चन फाइव दे रखा है इसमें 10 पार्ट हैं, और सभी पार्ट्स में हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी हमको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और उसको राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देना है, यानी ये सारे सवाल जो है वो हमारे शो दैट वाले हैं। तो एक एक करके हम सभी पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो आइए, सबसे पहला कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस कॉट थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। देखिए, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा लें, आप राइट हैंड साइड को भी ले सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें सॉल्व करने को ज्यादा किधर मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इधर सॉल्व करने को हमारे पास ज्यादा है, और सिंपल फॉर्म जिधर हो उसको आप लाइए, यानी उसको आप राइट हैंड साइड में रखिए। तो देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में कॉस थीटा है जो कि ऑलरेडी सिंपल फॉर्म, तो इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर क्या दे रखा है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कॉसेक थीटा जो होता है वन अपॉन साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब जैसे देखिए, अब यहाँ पर एलसीएम लेना है, साइन थीटा हमने एलसीएम ले लिया, तो क्या बच रहा है ऊपर, ऊपर बच रहा है वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे निगाह दौड़ाते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऊपर वन माइनस कॉस थीटा है, यहाँ वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, यानी एक वन माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी ज़्यादा लिखा हुआ है। नीचे क्या है, साइन थीटा है, और ऊपर से स्क्वायर लगा है, तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा है। तो हम क्या करते हैं, हमको एक आइडेंटिटी मालूम है, वो मालूम है ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाले को तो वन माइनस कॉस थीटा दो बार लिख देंगे, उसका फ़ायदा हमें बाद में मिलेगा, वो हम बाद में बताएंगे। और हमने साइन थीटा को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो ऊपर क्या आ गया, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा दो बार है ही है, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार आ जाएगा ए प्लस बी, एक बार आ जाएगा ए माइनस बी। तो देखिए ये क्या हो गया, वन माइनस कॉस थीटा तो ऊपर दो बार लिखा ही है, और नीचे वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया वन माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में वन प्लस कॉस थीटा। तो अब हम वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा कैंसिल कर देंगे, इसीलिए हमने इस साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज किया था, जिसके कारण ये हमारा ऐसा फॉर्म हमको मिल गया। अब देखिए, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, यही हमारा जो है वो RHS मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू RHS, यानी LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड, यानी जो हम चाहते थे वो हमने प्रूव कर दिया। तो इस टाइप से हम इस सवाल को, क्वेश्चन फाइव का सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, हमको लाना क्या है, टू सेक ए। तो देखिए, इसमें ज़्यादा मटेरियल हमारा किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, क्योंकि अगर सेक ए को लेके चलेंगे तो आप उसमें आगे क्या करेंगे ये आपको खुद ही नहीं मालूम। तो हमारे लिए फ़ायदा किधर रहेगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड उठाने में फ़ायदा रहेगा, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। अब बात उठती है, हम इसमें करें क्या, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिलहाल हमें और कुछ तो नहीं आ रहा है, पर एलसीएम जरूर समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे लोएस्ट फॉर्म में है।
तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लेंगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा वन प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ए। तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वन प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए, कॉस ए को कॉस से गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर वन प्लस साइन ए इसमें क्या होगा कॉस ए कट जाएगा, वन प्लस साइन ए इससे मल्टीप्लाई होगा यानी ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए का स्क्वायर। तो ऊपर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो वन प्लस साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा टू साइन ए। अब नीचे नीचे वाले को कोशिश करिएगा, इसको ब्रैकेट को ओपन ना करिएगा क्योंकि कोई फायदा नहीं है, आप खुद ही देखेंगे हमें लाना क्या है, हमें लाना है sec a और sec a होता है वन अपॉन cos a, यानी हमको नीचे cos a चाहिए ही चाहिए, तो हमारा सेपरेट रूप से cos a लिखा हुआ है और अभी आप देखेंगे कि वन प्लस साइन ए जो है ये कट जाएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई मत करिए नहीं फिर आखिरी में आपको कॉमन ही लेना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है हम जैसा लिखा है इसको वैसा लिखा रहने देते हैं यानी वन प्लस साइन ए और ब्रैकेट के बाद cos a। तो अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वाला क्या होता है आइडेंटिटी वन होती है, तो इसकी वैल्यू जो है वो वन हो गई और ये वन पहले से लिखा था और क्या बचा टू साइन ए, नीचे क्या है वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब हम देख रहे हैं कि ऊपर जो है वन प्लस वन हो गया टू प्लस टू साइन ए और ये हो गया वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो अगर हम टू कॉमन ले लें तो क्या बचेगा वन प्लस साइन ए और नीचे देखिए आ गया वन प्लस साइन ए पहले से ही लिखा था, तो अब हमारा फायदा यही मिला कि ये वन प्लस साइन ए कट गया और कॉस ए लिखा हुआ है और वन अपॉन कॉस ए क्या होता है sec a, यानी ये कितना आ गया टू sec a और यही हमारा आर एच एस हो गया यानी एल एच एस इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया आर एच एस के, हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से हम इस सवाल को अब इसी के थर्ड पार्ट को देखते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो है इधर मटेरियल ज़्यादा है, उधर भी कम नहीं है पर इधर ज़्यादा है, हमारे पास सॉल्व करने के लिए मैटर जिधर ज़्यादा होगा उसी को लेंगे, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, क्या लिया टेन थीटा पान वन माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा पान वन माइनस टेन थीटा। अब क्या करते हैं इसके बाद कॉट थीटा रखते हैं कॉस थीटा पान साइन थीटा और टेन थीटा रखेंगे साइन थीटा पान कॉस थीटा, तो जहाँ जहाँ टेन थीटा था वहाँ हमने साइन थीटा पान कॉस थीटा रखा, इसकी जगह भी कॉट थीटा था तो वन माइनस कॉस थीटा पान साइन थीटा, इस वाले कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा पान साइन थीटा, वन माइनस टेन थीटा यानी वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रख लिया। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते तो ऊपर वाले को जैसा था वैसा ही नोट कर दिया, नीचे हमें एलसीएम मिल गया, इस वन को वन अपॉन वन लिखा हमने और नीचे एलसीएम क्या मिल गया साइन थीटा, तो साइन थीटा जब एलसीएम मिला तो यहां पर क्या आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे यहां कॉस थीटा एलसीएम मिला तो क्या आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। अब हमारा क्या मिलेगा, अब हम इसको पलट देंगे, तो जब पलटेंगे तो देखिए ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, ये साइन थीटा कहाँ चला गया ऊपर चला गया और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ऐसे यहां पर देखिए तो यहां भी जब चेंज होगा तो ये कॉस थीटा कहां जाएगा ऊपर जाएगा, यानी ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये नीचे रह जाएंगे, यानी क्या हुआ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक हम आसानी से आ जाते हैं और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट भी है, सिर्फ इसी वजह से ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि असली काम आपका यहीं से शुरू होता है। अब देखिए हम आगे क्या हमें दिख रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरी तरफ दिख रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हमारा यहीं से असली काम शुरू होता है, हम अपने विवेक का इस्तेमाल यही करेंगे, हमें क्या करना है मैटर को मिनिमाइज करना है, यानी हमें दिमाग में रखना है कि हमें लाना क्या है, हमें लाना है sec थीटा cos थीटा sec थीटा cos थीटा प्लस वन को लाना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया जिससे हमारे माइंड में बना रहे कि आखिर में हमें लाना ये है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर कहीं से ये चीज़ कॉमन मिल जाए, अच्छा कॉमन क्यों नहीं मिल रही है क्योंकि sin थीटा माइनस cos थीटा आ रहा है और इधर cos थीटा माइनस sin थीटा आ रहा है, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बहुत आसान तरीका है, इस वाले प्लस को आप माइनस कर लीजिए, यानी हमने क्या किया ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बस इस प्लस को हमने माइनस कर लिया तो अब ये वाला माइनस जो हो गया ये क्या होगा, आपस में बदल जाएंगे, यानी साइन थीटा पहले हो जाएगा कॉस थीटा बाद में आ जाएगा, तो ये अब क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और सब कुछ वही रहा, बस खाली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चेंज हो गया। यानी आप लोगों ने ये देखा कि सिर्फ हमें क्या करना पड़ा, इस प्लस वाले की जगह यहाँ पे माइनस करना पड़ा और ये हमारे इंटरचेंज हो गए। तो इसके हमें दो फायदे मिलेंगे। पहला फायदा हमें ये मिलेगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में कॉमन मिल जाएगा, और दूसरा फायदा हमको अब मिलेगा ये कि जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई करे होएगा और ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा और इधर साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी भी यहीं पर लग जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे। तो अब जब कॉमन लेंगे तो देखिए यहां पर आया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचा कॉस थीटा, ऐसे ही यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर रहा साइन थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यानी अभी तक स्क्वायर थे अब किस में चेंज हो गए क्यूब में, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आप लोग जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी रहता है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है, इस आइडेंटिटी से आप लोग परिचित हैं। आइडेंटिटी को लगाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर यहां पर क्या बचेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाइए, तो पहले में आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम इसको ध्यान से देखें तो हम यहां पर देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई है, तो इसकी वजह से ये वाला साइन थीटा और ये वाला साइन थीटा कैंसिल हो गया, और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है, और इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं जो कि होती है वन। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये हो गया वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डायरेक्ट तो नहीं काट सकते हैं लेकिन इसको ब्रेक कर लेंगे हम लोग, जो है इसको वन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा कर लेंगे, तो इससे फायदा मिलेगा साइन साइन कट जाएगा कॉस कॉस कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस वन हो जाएगा। तो इसको वन अपॉन कॉस थीटा है तो वन अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या बनता है सेक थीटा, तो ये हो गया सेक थीटा। वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो ये हो गया कॉसेक थीटा प्लस वन। तो यही चीज हमारी क्या थी, यही हमारी आरएचएस थी, यानी एलएचएस इक्वल्स टू हो गया आरएचएस हेंस प्रूव। तो इस टाइप से हम इस सवाल को देखते हैं, यहां पर दे रखा है वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेने में फायदा है क्योंकि सेक ए इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉस ए, तो हम सबसे पहले इसको वन अपॉन कॉस ए में ब्रेक कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो सेक ए को हमने बदला वन अपॉन कॉस ए और इसको भी वन अपॉन कॉस ए लिख लिया। अब इसको वन अपॉन वन लिख के हम एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, तो इसको वन टाइम्स वन से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए टाइम्स जाएगा तो ऊपर आ जाएगा कॉस ए प्लस वन, और ऐसे ही ये वन अपॉन कॉस ए रहेगा, तो कॉस ए और कॉस ए तो फिलहाल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा वन प्लस कॉस ए अपॉन वन का कोई मतलब नहीं, वो तो वन वन प्लस कॉस ही रहेगा। तो अब हमें देखिए लाना क्या है, हमें लाना है साइन स्क्वायर है और नीचे वन माइनस कॉस ए, यानी हमें करना क्या होगा,
अगर हम किसी तरह से इसको 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो फायदा ये मिल जाएगा कि नीचे 1 माइनस कॉस ए हमारा मिल जाएगा, और ऊपर क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, फिर आइडेंटिटी वहां पर लग जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसको 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि नीचे हमको 1 माइनस कॉस ए लाना है, तभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो इससे फायदा ये मिला, 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 का इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कोई मतलब नहीं, नीचे क्या बचा, 1 माइनस कॉस है। तो अब देखिए इससे मिलजुल रहा है, थोड़ा बहुत काम बचा है। अब हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, तो 1 की जगह हमने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, पहले से मौजूद था, और नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस है, तो कॉस स्क्वायर ए कट गया, प्लस माइनस का था, बचा क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस है, और हमको यही चीज़ लानी थी, यानी आरएचएस हमारा आ गया। तो इस प्रकार हमारा एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो गया। आइए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो अब देखिए यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मटेरियल ज़्यादा है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट कर ली। अब उसके बाद देखिए उधर लाना क्या है, उधर लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो कॉसेक ए जो होता है वो 1 अपॉन साइन ए होता है, और कॉट ए भी कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, यानी यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है उसको हम साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जब साइन ए से डिवाइड करेंगे, तब देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉट ए, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन ए हो गया कॉसेक ए। ऐसे ही नीचे देखिए, यहाँ पर भी आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए 1, और 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए। अब ये जो हम माइनस 1 है, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, और नीचे भी सही से लिख लिया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब हम लोग देखें कि हमें लाना क्या है, हमें लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर इतना जरूर आ रहा है कि अगर एक आइडेंटिटी होती है हमारी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो अगर हम कॉट स्क्वायर ए इधर ले आएँ तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अगर हम 1 के स्थान पर ये रखते हैं तो शायद कुछ रास्ता निकले। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो 1 है इसके स्थान पर हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पुट कर दे रहे हैं। तो अब देखिए ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो ऊपर जो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो फिलहाल इसको हम इस टाइप से लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस एक ब्रैकेट में हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में हुआ कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे जो था वो हमने वैसा का वैसा नोट कर दिया। तो ये हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब हम देखें तो एक टर्म हमारा ये है और दूसरा टर्म ये है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है जो कि है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसमें हमने क्या किया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1 और इधर बचा, और इसमें से कॉमन चला गया, ये सिर्फ कितना पार्ट बचा, हमारा ये पार्ट बचा, लेकिन पहले माइनस लगा है तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कॉसेक ए जो है वो माइनस का हुआ और ये वाला जो है वो प्लस का कॉट ए हो जाएगा अपान, नीचे क्या लिखा है कॉसेक ए, नहीं सॉरी नीचे लिखा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो अब जरा देखिए, देखिए ये सेम थिंग है, कॉट ए है, कॉट ए है माइनस कॉसेक ए, माइनस कॉसेक ए प्लस 1, प्लस 1 यानी जो नीचे लिखा है वही ऊपर लगा है, ये कट गया और क्या बचा हमारा, हमारा बचा
कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आर एच एस था। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालों में से है। तो आइए इसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले नोट कर लेंगे। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट की, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब यहाँ अंडर रूट से हमको मुक्ति चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अब यहाँ फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम लेफ्ट हैंड साइड नोट कर ले रहे हैं, पर एक बात दिखती है कि अगर इस अंडर रूट को हमें हटाना है तो हमको क्या करना होगा, स्क्वायर बनाना होगा। तो हम क्या करें, इसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एक फ़ायदा ये मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट वन प्लस साइन ए होगा, और उससे क्या हो जाएगा, ये वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, जिससे हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो फिलहाल हमने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट किया और इसके कॉन्जुगेट यानी वन प्लस साइन ए से ऊपर नीचे इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए ये क्या हो गया, ऊपर ऊपर तो हो गया वन प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे एक ब्रैकेट में वन माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में वन प्लस साइन ए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर है। तो हमको पता है कि अगर वन की जगह कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए रख दें तो ये साइन स्क्वायर ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम जो है इस वन के स्थान पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रख दिए, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये हमारा साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। अब बच क्या रहा है, अब बच रहा है अंडर रूट वन प्लस साइन ए का स्क्वायर और नीचे कॉस स्क्वायर, और अंडर रूट लगा ही है, तो अब जब अंडर रूट हटाएंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया वन प्लस साइन ए ऊपर बचा, और नीचे भी कॉस स्क्वायर है तो वो भी हट गया, यानी कॉस ए बचा। तो अगर हम इसको स्प्लिट कर लें, यानी वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लें, तो वन अपॉन कॉस ए जो होता है वो हमारा सेक ए हो जाएगा, और साइन ए अपॉन कॉस ए जो है वो टेन ए हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा आर एच एस आ जाएगा, यानी एल एच एस इक्वल्स टू किसके हो गया, आर एच एस के। तो इस प्रकार हम इस सवाल को दे रखा है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम फिलहाल एल एच एस ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एल एच एस को ले लिया। तो जब एल एच एस लेंगे तब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा कॉमन मिल रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे देखिए कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब हम लोग वन के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे, उससे ये साइन स्क्वायर थीटा कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई 100% होगा। तो हमने क्या किया, ये हुआ साइन थीटा, और वन की जगह रखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, पहले से लिखा हुआ था, अपॉन कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस वन की जगह अगर हमने रखा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस माइनस की वजह से साइन स्क्वायर थीटा का भी साइन चेंज हुआ इस वाले की वजह से, और इसकी वजह से कॉस स्क्वायर थीटा का भी साइन चेंज हो जाएगा। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे देखिए टू कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा गया, यानी ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पहले से बचा था, यानी ये वैल्यू दोनों सेम बची, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो टेन थीटा होता है, यानी ये हमारा आर एच एस आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इस सवाल को दे रखा है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेवन टाइम्स कुछ। तो लेफ्ट हैंड साइड में ही मतलब भर का हमारा मटेरियल है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो फिलहाल जो है यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉसेक ए, और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए
प्लस टू कॉस ए सेक ए। अब जो है यहां पर साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, देखिए ये कितना होगा, ये वन हो जाएगा, ठीक। और दूसरा जो है साइन है और कॉसेक ए को देखिए, कॉसेक ए होता है वन अपॉन साइन है, तो कॉसेक को जब वन अपॉन साइन ए लिख देंगे तो ये हमारा साइन ए कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ टू बचेगा। तो हमारा अगला स्टेप जो होगा वो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हमने पास पास लिखा, इससे ये एक वैल्यू हमारी वन आ जाएगी। और दूसरा क्या बच रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इनको हमने पास पास लिखा, और जो बचा यानी क्या बचा, टू साइन ए और ये जो कॉसेक ए था इसको हमने लिखा वन अपॉन साइन ए। ऐसे ही ये वाला देखिए, ये टू कॉस ए था, इस सेको को हमने लिखा वन अपॉन कॉस ए, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये हमारा वन हो गया, यानी एक ये वन, एक ये टू और ये टू, यानी तीन सब मिला के कितना हो गया, फाइव प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए हमें लाना क्या है, हमें सेवन प्लस कुछ लाना है, यानी दो की कमी है, तो हमको पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इससे हमें ये कॉट स्क्वायर ए मिल जाएगा और वन मिल जाएगा। और दूसरा होता है सेक स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इससे हमें टेन स्क्वायर ए मिल जाएगा और एक एक दोनों वन मिला के यहाँ पर ऐड होके ये सेवन बन जाएगा। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख देंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये सब मिला के हो गए सेवन प्लस टेन, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हमारा आर एच एस हो जाएगा, यानी एल एच एस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा आर एच एस। तो इस टाइप से हम इस सवाल को प्रूफ कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पे दे रखा है कॉस ए के माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए माइनस कॉस ए और इक्वल्स टू वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो अब हम क्या करेंगे, इस सवाल के लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया कॉस ए के माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, कुछ वैल्यू रखी, कॉस ए के की वैल्यू होती है वन अपॉन साइन ए और साइन ए को वही वैसे ही रहने दिया, ऐसे ही सेक ए को देखा वन अपॉन कॉस ए और कॉस ए को वैसे ही नोट कर दिया। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो साइन ए को ऐसे लिखा, कॉस ए को कॉस ए अपॉन वन किया। अब इन दोनों में एलसीएम क्या बना, साइन ए, साइन ए को साइन ए से डिवाइड किया वन टाइम्स गया, तो ये वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन होगा, लेकिन ये कितने टाइम्स जाएगा, साइन ए टाइम्स जाएगा, और साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है। ऐसे यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कॉस ए हुआ, इसको इससे डिवाइड किया वन टाइम्स गया और वन को वन से किया तो वन, और ये कॉस ए टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो हमारा होता है वन, तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर ए उधर भेज दें तो देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तभी हमने वन माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर हमने क्या किया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख लिया। ऐसे यहाँ देखिए, अगर हम कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज दें तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए देखिए क्या हो जाएगा, हमने क्या किया इस वक्त कॉस स्क्वायर ए को उधर भेजा, यानी वन माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हमने वन माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया, साइन स्क्वायर ए। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पर दो कॉस स्क्वायर हैं, एक यहाँ एक सिंगल है, तो एक कॉस स्क्वायर है और एक कॉस ए कट गया। ऐसे यहाँ पर दो साइन ए है, साइन स्क्वायर ए लिखा है, तो एक साइन ए और एक साइन ए कट गया, बचा क्या, एक कॉस ए यहाँ बचा, एक साइन ए यहाँ बचा, यानी साइन ए और कॉस ए हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बच गया। अब देखते हैं हमें लाना क्या है, हमें लाना है वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रुक जाएंगे और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब हम राइट हैंड साइड को लेके उसको सिंप्लीफाई करके यही वैल्यू लाके दिखा देंगे, तब भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उस केस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस केस में राइट हैंड साइड को भी ले लेते हैं। जब हम राइट हैंड साइड को लेंगे तो क्या आया है, वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो टेन ए को लिख लेंगे हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको लिखा हम लोगों ने कॉस ए अपॉन साइन ए। अब अगर हम एलसीएम लें तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए। अब कॉस ए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन ए बचेगा, साइन ए इंटू साइन ए ऊपर हो गया साइन स्क्वायर है। ऐसे इसको इससे डिवाइड किया तो कॉस ए बचा, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर है, और ये हो जाएगा
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर के वन अपॉन कॉस ए साइन ए, तो ये वन अपॉन कुछ है तो रिवर्स होके कॉस ए साइन ए हमारा कहां चला जाएगा, ये हमारा कॉस ए साइन ए ऊपर आ जाएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देख रहे हैं कि आरएचएस की वैल्यू भी हमारी यही आ रही है जो किसकी आई थी, एलएचएस की, यानी एलएचएस और आरएचएस बाय फर्स्ट एंड सेकंड जो है हमारे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। इस टाइप से हम इस सवाल को करेंगे। हमने यहां पर राइट हैंड साइड इसीलिए लिया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें जिससे ये चीज आ जाए। तो ऐसे केस में जब आप कभी फंसें तो लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें और एक निश्चित वैल्यू पर आके रुक जाएं और राइट हैंड साइड की वैल्यू को पकड़ें, उसको सिंप्लीफाई कर दें और फर्स्ट और सेकेंड मान के उसको इक्वेट कर दें। आइए, टर्म दे रखे हैं तो कोई बात नहीं, हम एक एक टर्म लेके सभी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, तो यहां हमने सेक स्क्वायर लिख लिया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर यानी सेक अपॉन कॉस, ये क्या होता है, इसको हम चेंज कर लेंगे, सेक होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन कॉस होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यानी इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, टेन स्क्वायर ए। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हम लोग ये वाला पार्ट लिख लेंगे, ये क्या दिया है, वन माइनस टेन ए का अपॉन वन माइनस कॉट ए पूरे का स्क्वायर है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, अपॉन वन माइनस कॉट ए हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए पूरे का स्क्वायर। तो वन को हम वन अपॉन वन लिख लेंगे, इसको भी वन अपॉन वन लिख लेंगे, और इन दोनों में कॉस ए और वन में एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कॉस एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे होगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए पूरे का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन है, नीचे साइन ए माइनस कॉस है, तो अगर हम किसी तरह से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस को कॉमन लेते हैं, तो इससे फ़ायदा मिलेगा, ये भी हमारा साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा जिससे हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू ये वाला साइन ए हमने क्या किया ऊपर ले गए, तो ये हो गया साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और ये ब्रैकेट बंद करके पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर लगा दिया। तो अब देखिए ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो गई, क्या बच रहा है, माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए और पूरे का स्क्वायर, और साइन अपॉन कॉस जो होता है वो हमारा टेन होता है, तो ये टेन ए का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकेंड मान लिया, तो हम लिखेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, और पूरे सवाल को, यानी ये पूरा सवाल हम फिर से नोट करेंगे, यहाँ पर हम ये पूरा सवाल नोट कर देंगे और लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से ये सवाल हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।